बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया है, भगवान को दर्शन करने के लिए वास्तव रास्ता क्या है? समझ गए कि नहीं? हम भगवान को ठीक से कैसे दर्शन कर सकते हैं? तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, भगवान श्री हरि निर्गुण वस्तु मायातीत वस्तु। कहते जो भगवान है, कहते हरिर निर्गुण साक्षात भगवान, ये सत्व रज और तम गुण से ठाकुर जी, इससे अतीत ही है भगवान। इसलिए भगवान को अगर हम सोचे इन आँखों से ठाकुर को दर्शन कर ले, तो नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, धाम भी भगवान को भी आँखों से ज़्यादा मत दर्शन करो। कैसे दर्शन करो? कानों से दर्शन करो। मतलब क्या है? उनकी कथा सुना, उनकी कथाओं को श्रवण करो। इसलिए प्रभुपाद कहते, सही निर्गुण वस्तु भगवान रे सहित साक्षात्कार अन्य कौन रास्ता नाई, एकमात्र कान छड़ा। कहते भगवान निर्गुण हैं, कहते उनको दर्शन करने के लिए हैं, कहते और कोई रास्ता नहीं है, एक उपाय है, कानों को द्वारा भगवान की दर्शन करो। मतलब है भगवान का कथा सुनो, भगवान की कथा सुननी चाहिए। अभी देखो ठाकुर के सामने है ये मदन मोहन, तभी अभी तक क्या हम भगवत दर्शन कर पाए? ठाकुर का क्या दर्शन हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन नहीं होने पर भी हमारे हृदय में एक विश्वास है, भगवान है। अगर हम सही सही भजन करेंगे तो एक दिन ठाकुर हमें जरूर दर्शन देंगे। लेकिन ये विश्वास कैसे होता है? कथा से, केवल कथा से। इसलिए रुक्मिणी कृष्ण के पास में पत्र लिख रही है, बोले प्रभु आप भी मेरे को नहीं देखे, मैं भी आपको नहीं देखा, लेकिन मैंने नारद जी से आपकी कथा बचपन से सुनते 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 आप हमारी रोम रोम में ही समा गए हो। इसलिए अगर मैं शादी करूंगी तो केवल द्वारकाधीश से ही शादी करूंगी, और दुनिया और किसी से मैं शादी नहीं करूंगी। और सचमुच से रुक्मिणी भगवान के पास में पत्र लिखे और ठाकुर जी आए और रुक्मिणी को उठा करके ले गए, रुक्मिणी को उठा करके ले गए। इसलिए कहते हैं भगवान को दर्शन कानों को माध्यम से करो, मतलब भगवान की कथा सुना। कथा सुनने पर ही पर धीरे धीरे एक दिन ठाकुर जी हमें जरूर दर्शन देंगे। इसलिए साधुर श्री मुख विगलित वैकुंठ कथार अलौकिक शक्ति आछे। जो भगवान की सही भगवान की भक्त हैं, उनकी जो हरि कथा है वो हरि कथा कोई साधारण कथा नहीं है। कहते वो हरि कथा कथा अगर हम लोग श्रवण करेंगे, कहते एक दिन कथा ही हमें लेकर के भगवान तक पहुंचा देगा। इसलिए भगवान कपिल देव कहते, बोले माँ, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृतिकर्ण रसायन कथा। भगवान कहते माँ, अगर तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, सबसे एक सरल उपाय है मेरे भक्तों के मुखारविंद से तुम कथाओं को सुनो। ये कथा में इतने शक्ति कथा में, यदि यही कथा ही
श्रवण करते 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 भगवान के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। यही श्रद्धा परिपक्व अवस्था होकर के भाव रूप में प्रकट होगा, और यही भाव ही जब परिपक्व अवस्था आएगा बस प्रेम, और उसको द्वारा ही भगवत दर्शन हो जाएगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या बोले, बोले परीक्षित तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कुछ भी कोई जाग यज्ञ तपस्या ध्यान तुम्हें कुछ भी नहीं करने का जरूरत है। क्या करो, केवल यहाँ पर बैठो और भगवान की कथा सुनो। अरे कथा श्रवण करते करते जब तक तुम्हारी हृदय में ये दृढ़ विश्वास नहीं हो जाए हम भगवान की चरण को प्राप्त कर लिए, हम गोलोक वृंदावन प्राप्त कर लिए, जब तक तुम्हारी ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और सचमुच से क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी से कथा श्रवण करते 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 परीक्षित महाराज का हृदय निर्मल हो गया और गोलोक वृंदावन से विमान आया। अब परीक्षित महाराज एक सुंदर गोपी रूप धारण करते हुए रथ में बैठे और बैठ करके भूर भूव मोह जन तप सत्य लोग पार करते हुए गोलोक वृंदावन चले गए। और इसको देख करके ब्रह्मा जी को तो बड़ा आश्चर्य लगा, बोले इन्होंने तो कुछ ही नहीं किया, केवल बैठ कर कथा ही सुने, और कथा सुनते सुनते कहाँ चले गए। तो उन्होंने ब्रह्मलोक में से एक तराजू लाए, एक तराजू का एक तरफ में जगत का जितने सत्कर्म है दान पुण्य तीर्थाटन सारे सत्कर्म को तराजू का एक तरफ में धर दिए, तराजू के दूसरे तरफ में केवल भगवान कथा श्रवण करने का महत्व को धरा। तो जिधर कथा की महत्व को धरा वो तो एकदम पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, और दूसरे तरफ में जितने सत्कर्म सबके सब हल्का होकर ऊपर उठ गए। उनको पता क्या कैसे क्या चला, ये भगवान की कथा को सामने जगत का कोई भी सत्कर्म को कभी हम बराबर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान की भक्ति करने वाले साधु उनकी मुंह से अगर भगवान की कथा श्रवण करोगे तो कहते वो कथा कोई साधारण कथा नहीं, कहते मम वीर जस संविदो, कहते बड़ा बलवान वो कथा है, वो कथा साधारण कथा नहीं, वही कथा ही तुम्हें कहाँ तक ले जाएगा, गोलोक वृंदावन पहुंचा देगा, गोलोक वृंदावन पहुंचा देगा। इसलिए बंगाल में बंगला में कहावत है, कहते हरि कोथाए, मतलब हरि कहाँ है, बोले हरि कथा है, हरि और कहीं नहीं मिलेंगे, केवल हरि कहाँ मिलेंगे, कहते हरि केवल तुम्हें कथा में ही हरि मिलेंगे। इसलिए जब नारद जी भगवान से पूछे हैं, एक दिन नारद जी पहुंच गए बैकुंठ, पहुंच गए बैकुंठ में, पहुंच करके देखा वहां पर ठाकुर कुछ है नहीं, वहां पर ठाकुर नहीं है। तब उन्होंने माता जी से पूछा, बोले ठाकुर जी कहाँ हैं, बोले पता नहीं बीच बीच में कहीं चले जाते हैं, फिर बाद में आते हैं। फिर नारद जी वहां पर अपेक्षा किया, जब ठाकुर जी बड़े लेट में आए तब नारद जी भगवान से पूछे, बोले ठाकुर जी आप बीच बीच में कहाँ चले जाते हो। माता जी कहती हैं आप कहीं चले जाते हो फिर आते हो। नारद जी बोले आप बताओ आपका हम कहाँ ढूंढे, भगवान क्या कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ वहाँ भी नहीं रहता हूँ, कहाँ रहते हो, बोले एक ही जगह पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं मेरी कथा करते हैं। इसलिए एक एक साधु बोल रहे थे कि जो गोविंद देव मंदिर है ना इसमें एक साधु हर साल आकर के ये गोविंद देव मंदिर में कथा करते थे, एक साल कथा करके गए दूसरे साल में कथा करने आए। जितने श्रोता बैठे हुए थे बोले बताओ मैंने पिछले साल जो कथा की थी वो कहाँ तक मैंने कथा की थी, उसका आगे फिर प्रसंग को बढ़ाएंगे। अभी एक साल पहले क्या कथा सुना कर गए थे वो सब भूल गए, आज जो भोजन करते हो ना कल पूछो क्या भोजन किया है वो भी याद नहीं रहता है,
और एक साल पहले कहीं कथा सुना कर गए थे और बोले पूछे वो तो बोल नहीं पाए, इधर उधर झांक रहे हैं। इतने में वो कथाकार बोले लगता है तुम लोग ध्यान से कोई कथा नहीं सुनते हो, कथा को कोई ध्यान से नहीं सुनते हो, तुमको कुछ भी याद नहीं। इतने में गोविंद देव स्वयं बोल गए, गोविंद देव मंदिर से आवाज आए, बोले पंडित जी आप कैसे कहते हो कोई कथा नहीं सुनते, मैं कथा सुनता हूँ ना। बोले मैं कथा सुनता हूँ, आपने यहाँ तक कथा की थी, इसके आगे की प्रसंग और सुनाइए। मतलब कथा के सबसे बड़ा जो श्रोता कौन है, भगवान श्री गोविंद देव। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। इसलिए कहते सही वैकुंठ शब्द कान्य गेले आमादरे चेतनता प्रकाशित हवे। कहते हैं एक साधारण व्यक्ति कथा बोलना और एक साधु कथा बोलने में बहुत फर्क है, वो बहुत फर्क है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर शुद्ध साधु जो सचमुच से भगवान का भजन करते हैं, जो सचमुच से भगवान की भक्ति में ही अपना जीवन को उन्होंने लगा दिया, प्रभुपाद कहते हैं सही वैकुंठ शब्द, वो साधारण शब्द नहीं, वो वैकुंठ वार्ता, वह ये भगवान का धाम का ये शब्द है। कहते अगर हमारी कान को अंदर में जाएगा तो कहते हैं हमारी हृदय में जो चेतनता है ना, वो चेतनता को जागृत करेगा, वो चेतनता को जागृत करेगा। जैसे प्रभुपाद कथा सुनाते थे, हमारी भक्ति हृदय बन महाराज प्रभुपाद का शिष्य, वो पिताजी के लिए मेडिसिन लेने गए थे, दवा लेने के लिए गए थे, देखा एक साधु कथा सुना रहे हैं, तब उन्होंने खड़े होकर कथा सुनना शुरू कर दिया। और उन्होंने कथा श्रवण करते 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 उनके हृदय में ऐसे भजन की भावना जगी ना, वो पिताजी के लिए मेडिसिन लेने के लिए गए थे, वो मेडिसिन क्या लेने के लिए जाएंगे, वो बोतल लेकर गए थे, दवा लेकर के आएंगे, और वहीं पर फेंक फांक करके साधु बन गए, वहीं पर वहीं से साधु बन कर चले गए। क्यों? जो प्रभुपाद का जो कथा है ना, वो साधारण कथा नहीं, ये साक्षात भगवान वैकुंठ से गोलोक वृंदावन से वो कथा, गोलोक वृंदावन की कथा। इसलिए प्रभुपाद कहते उनकी कथा अगर हम श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में जो चेतनता है, वो चेतनता हृदय में जागृत होगा, कृष्ण उन्मुखता जागवे, हृदय में कृष्ण भजन करने का जो वृत्ति है हमारे हृदय में जग उठेगा। जे शब्द वैकुंठ है ते ये जगत अवतीर्ण है, सही शब्द ही आमादिग के वैकुंठ लिया जाए। कभी जो शुद्ध साधु है उनकी जो कथा है ना, वो वैकुंठ से आया हुआ कथा है। क्योंकि जो शुद्ध साधु, उदाहरण दिया है, अभी जो व्यक्ति कलकत्ता देखा है वही तो बता सकता है भैया कलकत्ता कैसे है, जो बम्बे गया है वही तो बता सकता भैया बम्बे देखने में क्या है, और जो बम्बे नहीं गया वो कैसे बोलेगा, अगर पूछो बम्बे कैसे, बोले हम देखा ही नहीं। लेकिन जो गया हुआ वही व्यक्ति बता सकता भैया बम्बे कैसे है। कहते उसी तरह जो शुद्ध साधु है, जो सचमुच से गोलोक वृंदावन से आए, वही गोलोक वृंदावन की कथा वही बता सकते हैं, सभी गोलोक वृंदावन की कथा बता नहीं सकते। कहते वो जो कथा है हमें कहाँ ले जाएगा, हमें गोलोक वृंदावन ले जाएगा, एक दिन हमें गोलोक वृंदावन ले जाएगा। कहते आर ए जगत जे शब्द बा कथा आमा दिग के नरक रे यात्री कराए। अगर हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, हमारे हृदय में भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने की भावना आएगी। लेकिन अगर हम एक साधारण व्यक्ति को संग करें, अरे वो क्या बोलेगा, कैसे हो, घर में क्या बनाए थे, घर में क्या चल रहा है, तुमने सुना है वो व्यक्ति क्या कर रहा है। दुनियादारी व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, दुनिया की बात करेगा, अगर दुनिया की बात सुनेगा तो कहाँ जाओगे, नरक ही जाओगे। अगर भगवान की कथा सुनेंगे तो कहाँ जाओगे, वैकुंठ जाओगे, भगवान का धाम में जाओगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं नरक रे यात्री कराए, श्री चैतन्य चंद्र वैकुंठ रे कथा बोलिवार जने, यही जगत ऐसे छिलेन।
किंतु सही परम कृपा मेरी कथा दुर्भाग्यवशत आमादर कानी जाचे ना। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों आए थे? बोले कारण है, कहते साधु पावा कष्ट बड़ जीवर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आईला ने दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा विशेष करके ये कलियुग है। कौन सा युग है? कलियुग। अब देखना कलियुग में हर चीज मिलावट है, हर चीज मिलावट हर चीज है। इसलिए भगवान ने देखा कलियुग में जो साधु है, जगत का साधारण लोग किसको साधु कहते हैं बताओ? मोटे मोटे माला, मोटे मोटे तिलक, हाँ भगवा कपड़ा पहना हुआ होगा हाथ में त्रिशूल, हम उनको ही क्या बोलते हैं? हम उन्हें ही साधु मानते हैं, हैं? उन्हें ही हम साधु मानते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कलियुग में साधु पाना बड़ा कठिन है, साधु पाना बड़ा कठिन है। पहले हम तो ऊपर की बेस को देखते हैं और क्या करता नहीं करता हम तो देखे ही नहीं। ऊपर का बेस को देख करके जटा जुटधारी हो, हैं जटा जुटधारी हो, हम उसको साधु मान बैठते हैं। ये क्या साधु का लक्षण है? नहीं है, ये साधु का बाहर का लक्षण है। लेकिन उनका जो स्वरूप लक्षण है, हृदय का जो लक्षण किया है, कहते मई अनन्न भावे न भक्ति कुर्बंत ये दृढ़ा। भगवान कहते हैं जो मेरे सही साधु है वो एकांत रूप में केवल मेरा ही शरण में आश्रय ले, अरे मेरी कथा छोड़कर के दूसरी कथा नहीं बोलेगा, मेरे चिंता छोड़कर दूसरा चिंता नहीं करेगा, मेरी भक्ति को छोड़कर के वो और किसी की भक्ति नहीं करेगा। साधु का जो लक्षण है यही असली उनका लक्षण है। लेकिन हम साधु का पहले बाहर बेस देखते हैं, वो क्या करता नहीं करता हमें पता ही नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कलियुग में साधु मिलना बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। कलियुग में सही साधु दर्शन बड़ा कठिन है। इसलिए आप लोग तो भारत के लोग हैं, अब देखना बड़े बड़े हाँ जो साधु हम जिनको बोलते थे अभी जेल में जाकर बैठ गए। फिर तो भक्ति करते थे भगवान की भक्ति, अरे भैया जेल में जाकर क्यों खड़े बैठे गए? कारण क्या है? भक्ति करते थे। इसलिए क्या हुआ? इसलिए श्री भगवान ही, ये गोविंद देव ही एक साधु का रूप धारण किया। गोविंद देव ने एक साधु रूप धारण किया, वो कौन थे? श्री चैतन्य महाप्रभु। गोविंद देव ही स्वयं साधु बनकर के आए जगत में, चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए। अब महाप्रभु बनकर क्या किया? आकर के उन्होंने 26 साल तक तो घर में रहे, अरे 26 साल के बाद में फिर सन्यास ग्रहण किया। कहते जो व्यक्ति घर में रह करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनको घर में रह करके कैसे भक्ति करनी चाहिए? केवल घर में रहने पर गृहस्थ नहीं बन सकता है। इसलिए कहते गृह मेधि, कहते गृह व्रत है, मतलब जिनका दिमाग में सवेरे से उठते ही बताओ क्या ध्यान रहता है, घर में तेल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चीनी है कि नहीं, आलू है कि नहीं, टमाटर है कि नहीं, यही आप बता सवेरे उठते यही चिंता होती कि नहीं? आप देखना पूरा 24 घंटा दाल नमक चीनी आलू टमाटर को पूरा दिमाग उसमें ही हमारी घूमती रहती है, इसके सिवाय हमारे दिमाग में और कोई चीज नहीं आती है। हाँ लेकिन कहते सात गृहस्थ कौन है? बोले जो घर में रहते हुए अपना धर्म पूर्वक अर्थ को कमा करके जो कुछ करे भगवान के लिए। रसोई बनाए तो किसके लिए? गोविंद देव के लिए। घर में झाड़ू लगाए तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? भगवान की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो। कहते स्नान कर रहे हो, हैं किसके लिए स्नान कर रहे हो? ठाकुर जी का हम सेवा करेंगे। कपड़े पहनते हो क्यों? बढ़िया वैसे कपड़े पहने, बोले क्यों? बोले बढ़िया कपड़ा पहनेंगे तभी तो ठाकुर को सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो भक्त है उसको पेशाब पायखाना भी भगवान की भक्ति है। क्यों? शरीर पवित्र होगा तभी तो ठाकुर को सेवा कर सकते हैं ना। शरीर पवित्र नहीं होगा तो हम ठाकुर की सेवा कैसे करेंगे?
इसलिए महाप्रभु घर में रह करके कहते कि गृहस्थ घर में रह करके कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने एक गृहस्थ जीवन को जाजन करते हुए शिक्षा दिया है, गृहस्थ में रहते हुए हरि का भजन कैसे करो, ठीक है ना। इसलिए हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और हाथों में काम और मुंह में भगवान का नाम। इसलिए उनका सारे चेष्टा केवल कृष्ण सेवा के लिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आकर के उन्होंने किसकी बात बताई, केवल भगवान की बात, ठाकुर की चर्चा, ठाकुर की भजन के बारे में उन्होंने बताए हाँ महाप्रभु ने। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन हम दुर्भाग्य व्यक्ति है, उनकी बात चैतन्य महाप्रभु की जो कथा है और हमारी कानों में प्रवेश नहीं करता है। अब बताओ फिर कल्याण कैसे होगा। भगवान स्वयं आए जगत में एक साधु बन करके, क्यों हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। भगवान भगवान की कथा को बोलते हैं लेकिन हमारे कान में प्रवेश नहीं करता है। कहते भैया फिर तुम्हारी कल्याण कैसे होगी, मंगल कैसे होगा। इसलिए कहते जहरा भाग्यवान तहरा ही महाप्रभु कथा बुझते पारे। कहते चैतन्य महाप्रभु को कथा को कौन समझ सकता है। कहते जो लोग बड़े सौभाग्यवान है, जिनकी करोड़ों करोड़ जन्म से जिनकी भक्ति उन्मुख की सुकृति है, हैं पूर्व जन्म में अच्छे सुकृति करके आए, इसी जीवन में वही व्यक्ति ही चैतन्य महाप्रभु की कथा को वही समझ सकता है। सभी को दिमाग में प्रवेश नहीं करेगा, सब लोग नहीं समझ सकते। भगवान की भक्ति का बात है ना, सभी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु क्या बोल रहे थे, बोले ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता जी। बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति ही जिनकी हरि भजन में हरि कथा में हरि की भक्ति में जिनको रुचि होता है। इसलिए भाग्य क्रम में हमारा यदि भगवान रे सेवा करिवार प्रवृत्ति वितिष्ट होई ताहिले आमादर काने ये सब कथा जावे, हमारा ये सब कथा सुनते पार्व धरते पार्व। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर भाग्य क्रम में हमारा यदि भगवान ने सेवा करिवार प्रवृत्ति विशिष्ट होई, कहते करोड़ों करोड़ जन्म का भाग्य से अगर हमारी सद्बुद्धि जागृत हो, हम भगवान की सचमुच से भजन करना चाहते हैं, फिर क्या होगा। कहते ये साधु संतों की जो वाणी, गीता रामायण भागवत की जो कथा, महाप्रभु का जो कथा अब देखना, तभी हमारी समझ में आई, नहीं तो इधर प्रवेश करके इधर हमारी निकल जाए, हृदय में धारण नहीं कर सकते उस चीज। कहते बड़े भाग्यवान व्यक्ति ही ये भजन की बात वही समझ सकते हैं, सभी की समझ का बाहर है। जार जे अवस्था सही अवस्था थे कहीं उन्नत होते हवे भाल होते हवे। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोले भैया भजन करो, बोले देखो भजन तो करेंगे, अभी हमारे संसार में बहुत सारे दायित्व है, संसार में सारे काम को जब निपटा देंगे ना भजन करेंगे। अभी तो बेटी की शादी करवाना, बेटा का पढ़ाई लिखाई हो रही है, अभी नौकरी चाकरी ठीक से नहीं है, जब सारे काम निपट जाएगा ना फिर तो हम भगवान की भक्ति करेंगे। अभी तो किसका काम निपटा है, बोले खुद निपट जाओगे, खुद जीवन में निपट जाओगे, लेकिन ये काम को कभी तुम निपटा नहीं सकते हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान तुमको जिस अवस्था में रखे, भगवान तुमको जिस अवस्था में रखे, तुम ये समझो जीवन का ये सबसे बढ़िया स्थिति है, जीवन का ये सबसे बढ़िया स्थिति है। ये समझ करके अगर आगे कहीं बढ़िया स्थिति आ सकती है
वो भजन से ही आएगा, बिना भजन से बढ़िया स्थिति कभी आ ही नहीं सकती है। इसलिए जो स्थिति है, कहते स्थाने स्थिताम श्रुति गताम तनुबांग मनभी। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का एक नाम है अजीत। क्या नाम है? अजीत। जिनको जितना, जिनको पाना बड़ा ही कठिन है, लेकिन हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान तुम्हें जिस अवस्था में रखे, उसी अवस्था में रह करके, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, और राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। ये एक अर्थ है। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है? बोले दूसरा अर्थ है, बोले स्थानीय स्थिता, बोले कहाँ पर रह करके भजन करें? बोले जहाँ पर भक्त लोग, जहाँ पर भक्त लोग हरि कथा करते हैं, हरि कीर्तन हरि भजन करते हैं, वहीं पर रहो। हैं? क्योंकि वहीं पर रहने पर काय मन और वाक्य से भगवान की कथा को सुन। काय मतलब होता है शरीर से, शरीर से भगवान की कथा सुननी चाहिए। शरीर से सुन रहे हो कथा? कथा कैसे सुन रहे हो? कान से सुन रहे हैं ना। कहते यहाँ शरीर से कथा सुनो, मतलब क्या? जहाँ पर कथा हो रही है वहाँ पर जाकर बैठो। कैसे बैठो? जाकर के ऐसे मत बैठो, जाकर के वो कथास्थली को प्रणाम करो। सबसे पहले कथास्थली को प्रणाम करो, कथा सुनने वाले व्यक्तियों को प्रणाम करो, और कथा बोलने वाले व्यक्तियों को प्रणाम करो। जाकर के प्रणाम करते हुए स्थाने, कहते हैं काय मन, कथा कैसे सुने? मन से सुने। हम कभी कभी कहते ना, अरे मन से काम किया करो, हम मन से सब काम करो। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए? मन से। और तीसरा जो नंबर है, वाणी से, वाणी से कथा सुनो। बोले मतलब क्या है? बोले मतलब है जो कथा सुनते हो अपना तक सीमित मत रखा करो, ये कथा दूसरों को भी सुनाओ। ये कथा दूसरों को भी जाकर कथा सुनाओ। आ यार आज हम मंदिर में गए थे, भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनी है, बड़े सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुने। इसलिए अपना तक मत रखो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण ऊपर, जिसको देखो उसको भगवान के बारे में बताओ, दुनियादारी के बारे में नहीं बतानी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जार जे अवस्था, मतलब जिसका जिस अवस्था में तुम रह रहे हो, हैं? सही अवस्था थे कई, उसी अवस्था में रह करके क्या हो सकता हो? धीरे धीरे तुम भजन में बढ़ सकते हो, धीरे धीरे बढ़ सकते हो, हैं? एक साथ में छलांग नहीं लगा सकते, धीरे धीरे बढ़ सकते हो। और भगवान कहते हैं ना, मेरे तरफ में एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा, 10 कदम बढ़ाऊंगा। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? प्रतिसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगतम जनमाम को जानते थे। कृष्ण क्या कह रहे हैं? बोले अगर सचमुच से हृदय से मेरे को कोई भजन करता है, हृदय से मेरे को पुकारता है, भगवान कहते हैं उसका सारे हैं, उसका भजन करने का सब कुछ व्यवस्था मैं कर देता हूँ। वो आगे कैसे बढ़ेगा, धीरे धीरे भजन में कैसे उन्नत होगा? भगवान कहते हैं सारे व्यवस्था मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, भगवान के ऊपर में विश्वास करते हुए, उनके ऊपर में दृढ़ विश्वास करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका नाम सुने हो, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये जब सब कुछ छोड़ छाड़ करके ये बारंबार महाप्रभु के पास में चले जाते थे, और परिवार वाले क्या करते थे, जोर जबरदस्त इनको पकड़ करके घर में ले जाते थे। जब उनने बारंबार ये सब चीज को की, इतने में महाप्रभु बोले, रघुनाथ ऐसे मत करो, ये लोग हंसा ही होता है,
ये लोग हंसाए, तो घर छोड़कर आ गया, कुछ दिन रह गया और तुम्हारी पिता माता जोर जबरदस्त तुमको फिर जोर जबरदस्त पकड़ करके घर में तुमको ले गए। कहते एक तरह का क्या है, कहते ये लोग हंसाइए, ऐसे मत क्या करो। फिर क्या करनी चाहिए, महाप्रभु क्या बोले, बोले धीरे धीरे पाए जीव भव सिंधु को, जीव एक साथ में धीरे 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 ये संसार से पार हो सकते हैं। फिर महाप्रभु क्या बोले, बोले से काले रे छल कृष्ण तुमा के बुझावे, जैसे अभी तुम घर छोड़ करके आ जाते हो, तुमको पकड़ करके ले जाते हो, अभी तुम घर में जाओ स्थिर हो या घर जाओ ना हो बातुल स्थिर होकर घर में जाओ, पागल बन मत करो हैं। जीव धीरे 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 भगवत प्राप्ति होएगा। कहते से काले रे छल तुम्हें कृष्ण समझाएंगे, कहते कृष्ण तुम कैसे घर छोड़ोगे, उसका सारे व्यवस्था कौन करेगा, भगवान श्री मदन मोहन लाल की, भगवान व्यवस्था करेंगे सचमुच से। रघुनाथ दास को संग किया हुआ बताओ, अभी घर में नहीं जाते हैं, घर को बाहर रहते हैं, हैं? वो चंडी मंडप था, मंदिर था, उसमें रहते हैं। एक बार क्या हुआ, उसका पुजारी आया ही नहीं पूजा करने के लिए, पुजारी नहीं आया तो इतने में रघुनाथ दास गोस्वामी को तो बड़ा कड़ा पहरादार है, ये कब घर छोड़कर भाग नहीं जाए, हैं? कड़ा पहरेदार, पैसा बजाए तभी लोग पीछे, पायखाना करने जाए तभी लोग पीछे, कहीं भी जाए उनको पीछे दिन भर लोग लगे हुए। अभी उन्होंने बोले देखो पुजारी नहीं आए, अभी ठाकुर का पूजा कैसे होगा, मैं जा रहा हूँ पुजारी को बुलाने के लिए, मैं जा रहा हूँ, मैं पुजारी को बुला करके ले आऊंगा। बस पुजारी को बुलाने के लिए गए तो पूरा सीधा का सीधा कहाँ चले गए, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी चले गए, महाप्रभु के पास में चले गए। बस महाप्रभु के पास में चले आए तो उसको पहले क्या हुआ, उनको चिड़ा दही महोत्सव दिया। जब नित्यानंद प्रभु के पास में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आए, महाप्रभु क्या कहते, बोले चोरा, बोले तू चोर हो, क्योंकि राधा कृष्ण मेरे संपत्ति है, निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, हेना निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाई थे नहीं। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बगैर महाप्रभु कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए मेरे को बिना बोले तुम और तुम डायरेक्ट राधा कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो, आज मैं तुमको दंड दूंगा। क्या दंड दोगे, सारे वैष्णव का सेवा करो, चिड़ा दही हैं, संदेश केला दूध हैं, खाए हो कभी, अच्छी लगती है, खाए कि नहीं, हाँ। इसलिए बड़े सुंदर उन्होंने चिड़ा दही केले आम दे करके बड़े सुंदर बनाया है, बड़े सुंदर बना करके सारे भक्तों को उन्होंने सेवा कराया। और वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, वैष्णव का हृदय नहीं रहते हैं। बस वैष्णव लोग प्रसन्न हो गए तो है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी गए तो पूरा के पूरा चले गए, फिर तो दोबारा नहीं आए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अभी जो जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में रह करके क्या करो, हरि की भजन करो, हरि की भक्ति करो, और आगे जो बढ़िया स्थिति आएगी भगवान सब कुछ व्यवस्था ठाकुर कर देंगे, करने वाले वही करा भी वही रह रहे हैं। भालो होता हवे जीवंत साधु का चेतनमयी वाणी सुनते हवे, जे मुहूर्ते अमरा प्रकृत साधु कथा हरि कथा ना सुनब, निष्कपट साधु सेवा ना करब, सही मुहूर्त ही माया अमाद्य के ग्रास कर। देखो एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु है, महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जो सचमुच से जो निष्कपट होकर के भजन साधन करते हैं, जो सही साधु है उनकी हरि कथा। अगर हमें कोई बचा सकता है ना, साधु की हरि कथा ही हमें बचा सकता है। इसलिए कल सुन रहे थे ना, एक ही हरि नाम माला ही तो करना है ना हरि नाम, लेकिन जब रोज 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 एक ही बात को सुनते हैं क्या होता है, तो फिर दिमाग में बैठ जाते हैं, भजन करना भजन करना भजन करना। जब बद्ध जीव है ना, जब सुनते रहते हैं जिस चीज को, वही चीज का हमारे ऊपर असर पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं
जो जीवंत साधु, जो आचरण पुरुष साधु है, सचमुच से जिसका जीवन 24 घंटा में 24 घंटा हरि भजन में ही जो जीवन को लगाते हैं, उनका जो कथा है, यही कथा ही हृदय में हमें भजन करने का शक्ति यही देने वाला है। सबसे बड़ी चीज यही चीज है। इसलिए कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ। मेन यही वस्तु, शुद्ध साधु की हरि कथा। जब हम कथा को नहीं सुने क्या होगा, उस समय माया आकर के हमें ग्रास करेगी हरि कथा। इसलिए कहते हैं, अतएव आमादे कर्तव्य कोथाई हरि कथा होचे, सत्य सत्य चेतन थे के चेतनमयी हरि कथा प्रकाशित होचे, सही दिगे मन जोग राखा। इसलिए हमें हर समय किस चीज के ध्यान देनी चाहिए, जहां पर शुद्ध हरि कथा हो रही है, बस शुद्ध हरि कथा को वहीं पर जाकर हरि कथा सुना। इसलिए हरि कथा सुनेंगे ना, फिर हमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं। जो कराने वाले हरि कथा कराएगा, जो कराने वाले ना, वो हरि कथा ही हमें आगे सारे काम हमें हरि कथा ही कराएगा, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं। मूल है जीवन को हरि कथा श्रवण करो। इसलिए लिविंग सोर्स थे सेवन मुख करने दिया हरि कथा श्रवण कर ले, चेतनर वृत्ति उन्मत्त हवे, तखन निर्मल चिते हमारा भगवत अनुभूति वा भगवत दर्शन लाभ करते पारवो, सौत पथे वा श्रवण पथे ही भगवत दर्शन है, एतत व्यतीत भगवत दर्शन अन्य कौन रास्ता नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, भैया जो लिविंग सोर्स मतलब जो जीवन तो, अपना जीवन में जो आचरण पूर्वक जो हरि कथा करते हैं, वो हरि कथा को श्रवण करो, बस भगवत दर्शन करने का और कोई रास्ता नहीं। कान है, क्या है? कान। बस हम कान में जो सुनते हैं वही करते हैं ना। इसलिए बस चलो कान से भगवान की कथा श्रवण करो। एक दिन यही कथा ही हमें गोलोक वृंदावन पहुंचा देगा। इसलिए कहते हैं, भगवत दर्शन का रास्ता क्या है? कान, श्रवण, सेवन मुख कान, ठीक है ना। इसलिए हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसलिए अब लोग सब वृंदावन में झूला में आ जाए, ठीक है। वंशा गुरु सब कृपा सिंधु भाई वच पतिता नाम पावने भो वैष्णव भो नम पिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम तरह कीर्तन कर ले, ठीक है। कृष्ण हरि ते चतुर्मुख, कृष्ण से वर्मुख, ब्रह्मा हरि ते नारद हे रमाते, नारद हरि ते व्यास मत कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ कहते, अंगीकार कर जय नाम परिचय, शारदा से जन सिंधु I'm gonna make it.
परंपरा गुरु परंपरा